दोस्तों बहुत सारे बिगिनर्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर गूगल एड से लो बजट में अपने प्रोडक्ट्स को हम कैसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लाइक जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास क्या रहती है, बजट की। लाइक उनका लाइक गूगल एड्स में जो हम लाइक यूएस में एड चलाते हैं अपने जो एफिलिएट प्रोडक्ट हमारे होते हैं, क्लिक बैंक के हों या फिर डिजिटो 24 के हों, एक एक दिन में चार चार पाँच पाँच हज़ार रुपये की हमें एड रन करनी पड़ती है। बट बहुत सारे बिगिनर्स के पास इतना बजट नहीं होता, पर डे का एक लो बजट होता है। तो लो बजट में आपको कैसे ऐड रन करनी है, किस तरीके से ऐड को ऑप्टिमाइजेशन करना है, ऐड को पूरा ऑप्टिमाइज करना है, आज की वीडियो में हम कंप्लीट लाइक प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। कौन कौन से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, लाइक दो से तीन ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स का आप बिल्कुल प्रॉपरली यूज करेंगे तो आपका कम बजट में भी काम होगा। सबसे बड़ी बात यह है कॉम्पिटिटर आपकी एड पर क्लिक नहीं करेगा, तो सबसे ज्यादा पैसा आपका वहां से बचेगा। मैं बता दूं गूगल एड्स में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर क्लिक से पैसा कटता है, तो वो सब उन सबसे भी बचने के लिए हम यहाँ पे आज इस वीडियो को लाए जिससे आप एक अच्छे से एक सक्सेसफुली लो बजट में भी अपना कन्वर्जन निकाल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं जिस भी स्टूडेंट ने हमारे डिजिटल समझना वो सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हम आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड लाइक जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले आपको दे सकें। और इसके साथ साथ अगर आपको हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, एफिलिएट मार्केटिंग की लाइव ट्रेनिंग, कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग, बहुत ही एट लाइक मिनिमम प्राइस अभी उसका चल रहा है। नीचे दिए गए लिंक वेबसाइट पे जाके आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए देखते हैं कैसे अपनी एड को ऑप्टिमाइज करेंगे और कम बजट में अपनी एड्स को बहुत अच्छा हम परफॉर्म कैसे कराएंगे यूएस मार्केट में या फिर यूएस कंट्री में। तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर। सो गाइस हम गूगल एड्स के अपने एक अकाउंट पे आ चुके हैं। तो इस अकाउंट पे सबसे पहले आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो आप सबसे पहले आप देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम शेड्यूलिंग, आपको टाइम शेड्यूलिंग पे भी फोकस करना है। अब टाइम शेड्यूलिंग पे ऐसा फोकस नहीं करना है, मैं पूरा बताऊंगा कैसे टाइम शेड्यूलिंग पे फोकस करना है। तो वो तीन चीजें याद रखनी है, ऑडियंस, डेमोग्राफिक्स, टाइम शेड्यूलिंग। ये तीन चीजें आपकी लो बजट में आपकी एड रन करवा देंगे। अब टाइम शेड्यूलिंग कैसे, देखो तो सबसे पहले आप यहाँ पे लाइक टाइम आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एड शेड्यूल, इस पर आप क्लिक कर देना और आप यहाँ पे एड शेड्यूल पर आ जाना। ठीक है, एड शेड्यूल पर जब आप आ जाओगे तो यहाँ पे आप डे एंड आवर्स पे आ जाना। ठीक है, अब डे एंड आवर्स में आप देख पाओगे कि किस दिन कितने क्लिक्स आए हैं और किस आवर में आए हैं। देख सकते हो डे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सारे कैंपेन का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। कितने क्लिक्स आए हैं, वेनसडे को सबसे ज्यादा क्लिक्स आए हैं 7 बजे से 8 बजे के बीच में, देख सकते हो 19 to 20 लाइक यहाँ पे इंप्रेशन 29 हुए हैं, 13 क्लिक आए, 29 में 13 क्लिक। CTR आप देख सकते हो कितना हाई गया है और 173 रुपये CPC गया है। और अगर आप लाइक अपनी ऐड को वेनसडे को एनालिसिस कर रहे हैं और आपने देखा कि इतने क्लिक्स आए लेकिन एक भी सेल नहीं हुई है इस टाइम पे, तो आपको क्या पता चला कि ये शायद आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, क्योंकि इतना हाई CTR जा रहा है तो शायद आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं। ये 2250 रुपये कॉस्ट कटा है। तो आपको यहाँ से एक डेटा पता चला कि लाइक इवनिंग में 7 to 8 या फिर जो भी डेटा आपको पता चला उस डेटा को आप हटा सकते हैं। आपको लगता है कि मैं रात को केवल 2 बजे से रात को 2 बजे से सुबह के 7 बजे तक या सुबह के 5 बजे तक एड रन करना चाहता हूँ, तो वो भी आप शेड्यूलिंग यहाँ से कर सकते हैं। और किसी टाइम भी मैं एड रन नहीं करना चाहता, केवल रात को 2 बजे से सुबह 7 बजे तक एड रन करूंगा। डेली बेसिस पे मेरा यही रहेगा, सिर्फ 3 घंटे या सिर्फ 4 घंटे पर डे हमारी एड चलेगी। वो सब आप यहाँ पे शेड्यूल करने, वो सब कब शेड्यूल करना है, पहले आपको यहाँ से डेटा एनालिसिस करना है, करना कि मंडे को कितने क्लिक आते हैं और फ्राइडे को कितने आते हैं, वेनेसडे को कितने आते हैं। देख सकते हो सारा डेटा आ रहा है, 2-3 दिन का ऐड है ये, एक डेमो अकाउंट है, इसमें 2-3 दिन ऐड रन करी है और उसका डेटा हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो सारा डेटा आ रहा है, वेनेसडे को सबसे ज्यादा क्लिक आए हैं और देख सकते हो संडे और फ्राइडे थर्सडे लाइक ये सब वहाँ पे रेशियो आ रहा है। तो हमें यहाँ से हमने डेटा एनालिसिस किया, जो भी आपको आपके अकाउंट में आप अपने अकॉर्डिंग देखे डेटा एनालिसिस, क्योंकि अलग अलग लाइक आपकी कंट्री अलग हो सकती है, आपका प्रोडक्ट अलग हो सकता है, आपका ये लाइक टाइम शेड्यूलिंग का ये लाइक आपके लाइक एड आप पता नहीं आप मॉर्निंग में एड रन कर रहे हैं या किस टाइम पे एड रन कर रहे हैं, तो सारा डेटा आपका अलग हो सकता है। तो आप अपने डेटा को एनालिसिस करें और देखें कि किस टाइम पे कितना क्लिक आ रहा है और उसको एक बार मेजर करने की कोशिश करें उस टाइम पे, डेली बेसिस पे पहले आप उसको मेजर करें। एक बार अच्छे से आप मेजर कर लेंगे आवर्स ये सब लाइक टाइम वगैरह भी डाला एक मेजर कर लेना कि 7 से 8 बजे के बीच में कितने क्लिक्स हैं, ये सब भी आप प्रॉपर मेजर कर लेना।
फिर जब आप मेजर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा इस टाइम पे केवल क्लिक्स आते हैं, सेल नहीं आती हैं। आपको पता चल जाएगा इजीली, क्योंकि लाइक आपका 2200 रुपये स्पेंड हुआ है और आपने देखा कि कोई भी सेल नहीं है, इतने क्लिक्स आए बट सेल ही नहीं आई, इस टाइम पे पता चल जाएगा कि ये कॉम्पिटिटर है। या फिर लाइक नॉर्मल ऑडियंस भी होगी तो लाइक आप होप लिंक पर भी जाओगे तो आप वहां पे देखोगे लाइक क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन लोग फाइनल परचेज तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो वो सब आप लाइक क्लिक बैंक से भी पता कर सकते हो। तो ये सब आपने देखा, फिर आपको आना है एड शेड्यूल में। ठीक है, एड शेड्यूल में आप आ गए, ये सब आपने मेजर कर लिया, एड शेड्यूल में आ गए। एड शेड्यूल में आके आपको अपना शेड्यूल बिठा देना है कि लाइक मैंने पूरा अच्छे से डेटा मैंने लाइक एनालिसिस किया और मैंने देखा कि जो मेरी एड है उस एड को मैं ये देखो यहाँ पे पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर हूं, मैं सर्च टू एक कैंपेन मैंने बनाई है उस कैंपेन के अंदर हूं, तो मैं इस कैंपेन को ओनली मंडे टू लाइक सैटरडे संडे चलाना चाहता हूँ वीकेंड में। ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया, और उनमें भी मैं इसको चलाना चाहता हूँ रात को 5 बजे तक। ठीक है, यानी कि लाइक मॉर्निंग 5 AM तक, रात को 1 बजे से, मतलब 1 AM से 5 AM तक मैं चलाना चाह रहा हूँ। अब मैंने इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये मैंने डेटा यहाँ पे सेव कर दिया, अब मेरी ऐड केवल इस टाइम पे चलेगी। तो सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि आप टाइम शेड्यूलिंग, देखो टाइम एनालिसिस करोगे तो एक आपको जो देखो फालतू क्लिक तो आपके ऑडियंस से भी आएंगे, लेकिन जब आप टाइम अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो ये क्लिक्स आपके बच जाएंगे कि हाँ अब आपका ऑडियंस इस टाइम पे आती बट लेती नहीं है, 10 में से 1 लोग ले, लाइक 10 लोगों ने देखा 1% ही ले रहा है, तो ये 10% का भी तो कॉस्ट कटेगा। हर 1% का भी अगर आप मान लो 300 रुपये क्लिक जा रहा है तो 10% का आप कॉस्ट मान सकते हो, लाइक 3000 रुपये फालतू स्पेंड हो गया। लेकिन अगर वही एक ऐसा टाइम है जिसपे एक ओवरऑल एनालिसिस के बाद पता चला कि लाइक 5 क्लिक में 2 सेल हो गई या 1 सेल हो गई, तो वो डेटा अच्छा है। तो आप ऐसा आपको सबसे पहले ऐड रन करनी होगी और फिर एनालिसिस करना होगा टाइम का। अब इसके बाद आपको ऑडियंस के ऑप्शन में भी आ जाना है, ये देखो ऑडियंस का ऑप्शन है, थोड़ी सी सेटिंग आपको ऑडियंस के ऑप्शन में भी कर लेनी है, लाइक आपको लाइक डेमोग्राफिक सही सिलेक्ट करना है, वो सब मैं आपको करा देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। टाइम शेड्यूलिंग का मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि टाइम शेड्यूलिंग वो आपके अकॉर्डिंग रहेगी, आप किस टाइम पे अपनी एड रन कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट कब सेल होता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो इवनिंग में सेल होते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में ज्यादा सेल होते हैं, जैसे कि वेट लॉस वाले मॉर्निंग में ज्यादा सेल होते हैं, तो ये सब आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम डेमोग्राफिक्स में जाते हैं, एडिट डेमोग्राफिक्स पे हम क्लिक करते हैं और एक ऐड का डेमोग्राफिक्स इसका ही हम ओपन कर लेते हैं, उसी ऐड के अंदर है। ठीक है, तो जैसे वेट लॉस वाले प्रोडक्ट्स हैं तो उसमें आपने मेल फीमेल में ओनली फीमेल्स को टारगेट कर सकते हो आप। एज ग्रुप में आपको लगता है, वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये 3 एज ग्रुप रखो, और आपको और भी अगर अच्छे से और कम बजट है, बहुत कम बजट है तो 44 भी आप चाहो, बजट ठीक ठाक है तो ये एज ग्रुप आपके लिए सही है। अननोन सब में से हटा देना, ये बात याद रखना, अननोन सब में से हटा देना, और चाहो तो हाउस होल्ड इनकम में लोअर 50% भी आप हटा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेव डेमोग्राफिक्स कर देना एक तो ये। दूसरा डिवाइसेस, डिवाइसेस में सबसे ज्यादा एनालिसिस करने पर पता चला है, हमने खुद एड रन करने को पता चला है कि लैपटॉप से ज्यादा सेल आती है। बट एक चीज है, लैपटॉप से सेल ज्यादा आती है लेकिन सीपीसी भी थोड़ा सा हाई जाती है लैपटॉप से, बट यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लैपटॉप से ही सीपीसी कम गया है और मोबाइल से सीपीसी देख सकते हो ज्यादा गया है। तो आपको बिड में मैं देख सकते हो मैं 90% तक मोबाइल को डिक्रीज रखता हूँ, बहुत सारे लोग 100 भी रखते हैं, तो आप चाहो तो 100, अगर आपको बहुत ही कम बजट है तो 100% डिक्रीज कर देना, तो मोबाइल से बिल्कुल भी क्लिक्स नहीं आएंगे, एकाध एकाध आता रहेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं आएंगे, 100% डिक्रीज कर दिया। टैबलेट को भी आप 100% डिक्रीज कर दो। तो ये 3 चीजें लाइक आपको काम करना है इन 3 चीजों पर, और आप अपनी ऐड को अच्छे से लाइक लोकेशन वगैरह पे भी आप काम कर सकते हो। लोकेशन पे कैसे, जैसे आपने ऐड रन करी और आपने देखा कि कंटिन्यू लाइक इस लाइक यूएस की सिटी से ज्यादा सेल आ रही है, तो आप केवल पर्टिकुलर उस सिटी को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन वो जब होगा जब आप कम से कम 2 से 3 दिन अपनी ऐड को रन करोगे, तो पहले तो मैं एक टाइम शेड्यूल फिक्स कर लो, 2 से 3 दिन उस टाइम पे लाइक अब ऐड रन करो, फिर देखो कि कितना आपका लाइक क्या एनालिसिस रहता है, क्या आपका रिपोर्ट्स आता है, उस रिपोर्ट के बिहाफ पे आप एक अच्छे से आप लाइक यहाँ पे टाइम शेड्यूलिंग करो, डिवाइस शेड्यूल करो, आप यहाँ पे ऑडियंस शेड्यूल करो, आप पूरा जितने भी लाइक ऑप्शन है उनका प्रॉपर यूज करो, बिड एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैं एक चीज और बता दूं, जैसे ये एडवांस बिड एडजस्टमेंट इस पे आते हैं, ये भी समझ लो। टाइम शेड्यूलिंग पे आ जाओ पहले, टाइम शेड्यूलिंग से बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको ये चीज, डे एंड आवर में आ जाते हैं, देखो समझना।
अभी अभी तो मैं एड रन कर रहा हूँ किस पे, लाइक मैक्सिमाइज क्लिक पे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रात को 2 से 3 बजे के पास बहुत हाई बिट चली जाती है। अब हाई बिट जा रही है तो आपने ना पहले एनालिसिस किया कि रात को 2 से 3 के बीच में मेरी बिट जा रही थी, मान लो कभी एक हाई ले लेते बिट एग्जाम्पल के लिए 283 जा रही। तो अगर आप मैनुअल सीपीसी यूज कर रहे हो तो आप अपनी बिट को भी एडजस्ट कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कि रात को 2 से 3 बजे मैं अपनी बिट 150 रुपए ही रखूंगा। तो वो सब भी आप यहाँ पे पूरा सेटअप कर सकते हो। तो एड्स कैंपेन को प्रॉपर सेटअप करो, प्रॉपर ऑप्टिमाइज करो, एनालिसिस करो, इस बिहाफ पे एड रन करो। आपके कम बजट में भी आपका काम होगा, आपकी सेल आती रहेंगी। एक दो सेल आप लो बजट में भी निकाल सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं है। बट इसके लिए आपको प्रॉपर यहाँ पे एनालिसिस करना होगा। सो गाइस आज की वीडियो इतनी रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमसे गूगल एड्स का अकाउंट सेटअप कराना है, 1-to-1 ट्रेनिंग चाहिए, व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारी लाइव ट्रेनिंग चाहिए, हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप पर भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस।